राजधानी जयपुर स्थित पीसीसी मुख्यालय में बुधवार को राजस्थान असंगठित कामगार कांग्रेस की ओर से जयपुर शहर के पदाधिकारियों और बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं की अहम बैठक हुई। इस मौके पर जयपुर शहर से लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी ज्योति खंडेलवाल और मुख्य सचेतक महेश जोशी भी मौजूद रहे। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति को लेकर के चर्चा की गई और भाजपा की नाकामियों को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया गया। साथ में बैठक में कामगार श्रमिकों और थड़ी ठेला श्रमिकों की समस्याओं को लेकर के चर्चा की गई। हमारे जो विभाग के जो अध्यक्ष रजाक भाटी जी, आज उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ताओं को, जो बूथ लेवल तक के कार्यकर्ता थे, जाके काम करते थे कांग्रेस की नीतियों के लिए, उन सबको यहाँ पर एकत्रित किया। और हमने यही बात कही है कि एक ऐसी सरकार जो नोटबंदी के माध्यम से इन गरीब महिलाओं की, इन गरीब परिवारों की बची कुची छोटी मोटी जो बचत होते है उसे भी वापस लेने का काम करती है, और एक तरफ राहुल गांधी जी की सरकार जो ये प्रतिबद्धता जताती है, कटिबद्धता जताती है, ये विश्वास दिलाती है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो हर गरीब परिवार, लगभग 5 करोड़ गरीब परिवारों के घरों में 72,000 रुपये साल का पहुँच करके उनकी जो मूलभूत जो ज़रूरत है उनको पूरी करने का काम किया जाएगा, जिससे वो एक जीवन का एक स्तर के साथ वो रहन बसर कर सके।